आईपीएल 2021 दोस्तों, आपको बता दें कि एक बुरी खबर सामने आ रही है आईपीएल के फैंस के लिए, और वो ये है कि अब आईपीएल को सस्पेंड कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर खुद बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला ने ये कंफर्म किया है, और इस सोर्स में ये उन्होंने कहा है कि हम इसे रीस्केड्यूल ज़रूर करेंगे लेकिन इसे कैंसिल अभी हम नहीं कह सकते हैं। वो ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि इसे कैंसिल नहीं किया गया है पूरी तरीके से। हम पहले थोड़ी देर यहाँ पर नोटिस करेंगे कि किस तरीके से प्लेयर्स की हालत है, प्लस यहाँ पर किस तरीके से कोरोना फैल रहा है। बायो बबल के अंदर रहते हुए भी यहाँ पर कोविड का जो कहर है वो बरसता हुआ नज़र आ रहा है इंडिया के ऊपर, यहाँ पर अब आईपीएल के अंदर भी। तो वहीं दोस्तों, देखना लाजवाब अब ये होने वाला है कि किस तरीके से बीसीसीआई के अब बड़े एडवाइज़र्स क्या एडवाइस देते हैं कि क्या इनको अभी भी कि कैंसिल एकदम से कर देना चाहिए या फिर रीस्केड्यूलिंग का भी सोचना चाहिए। हालांकि अभी जो वाइस प्रेसिडेंट का बयान आया है उसके अंदर साफ उन्होंने कहा है कि रीस्केड्यूल हो सकते हैं, कैंसिल नहीं हुआ है। रिद्धिमान साहब यहाँ पर पॉजिटिव, अमित मिश्रा भी यहाँ पर पॉजिटिव पाएगा, और उससे पहले केकेआर के दो प्लेयर यानी कि संदीप और यहाँ पर वरुण चक्रवर्ती जो है वो भी पॉजिटिव पाए गए थे। हालांकि इन दोनों की हालत में अभी सुधार है, लेकिन अब ये देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है कि आगे आईपीएल की और कौन कौन सी टीम्स अब इफ़ेक्ट होती है इस वायरस से। दोस्तों आपका इस पर क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आईपीएल को कैंसिल कर देना चाहिए या फिर रीस्केड्यूल करना चाहिए। कमेंट ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए हमारे चैनल न्यूज़ जंक्शन को, ताकि आपको मिलती रहे ऐसी और अपडेट्स सबसे पहले।